अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं बिस्किट का मतलब चॉकलेट माउसेस बनाऊंगी। तो चॉकलेट बिस्किट आप कोई भी ले सकते हो, या तो टाइगर चॉकलेट बिस्किट और हैप्पी हैप्पी कुछ भी। तो मेरे पास चॉकलेट अनबेक था, वो ले ली मैंने। आधा कटोरी शक्कर है, आधी कटोरी दूध है और 2 चम्मच कोको पाउडर ज़्यादा, और ये आधी मतलब हाफ डिब्बा हम क्रीम का डालेंगे, ठीक है। अगर क्रीम नहीं हो तो आप मलाई भी डाल सकते हैं दूध की। चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए, मैंने 1 चम्मच कोको पाउडर और शक्कर आधी कटोरी और सब बिस्किट मैंने तोड़ तोड़ के डाल दी इसमें। अब ये तीनों चीज़ को हम मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे, ठीक है। एकदम बारीक स्मूथ सा पेस्ट बनाएंगे। तो ये देखिए, मैंने बारीक पेस्ट कर लिया है और अब इसके अंदर हम दूध डाल देंगे। तो देखिए, मैंने दूध और क्रीम डाल दी हाफ पैकेट। अब ये इसका पेस्ट बना लेंगे और पेस्ट बना के हम इसको एक डिब्बे में, एयर टाइट डिब्बे में रख के रेफ्रिजरेटर में 1 घंटे के लिए रख देंगे, ठीक है। और इसका ही हमें चॉकलेट माउसेस बन जाएगा। तो ये देखिए, मैंने पेस्ट बना ली हो और इसको मैं इस टिफिन में रख के रेफ्रिजरेटर में 1 घंटे के लिए रख दूँगी, ठीक है। तो ये मैंने एयर टाइट डिब्बे में डाल के चॉकलेट बना के इसमें बंद कर दी और रेफ्रिजरेटर में 1 घंटे के लिए रख दूँगी। उसके बाद मैं ग्लास में आपको सर्व करके दिखाऊंगी चॉकलेट माउसेस। तो ये देखिए, मैंने रेफ्रिजरेटर में 1 घंटे के लिए रख दी थी। तो ये अच्छे से माउसेस जम गया है। अब हम इसे कांच के ग्लास में या फिर बाउल में निकाल के उसको और 1/2 घंटे के लिए रख देंगे, ठीक है। एकदम इजी सा, सिंपल सा। तो देखिए, हमारा चॉकलेट माउसेस तैयार है कोको पाउडर डाल के। अब इसके ऊपर हम चॉकलेट हर्शीज की डाल के इसको डेकोरेट कर सकते हैं। तो चलिए, अब इसको मैं चिल्ड होने के लिए 1/2 घंटे के लिए रख देती हूँ। चम्मच दो। तो ये मैंने थोड़ी सी चॉकलेट सिरप डाल दी ऊपर से हर्शीज की। तो आप भी इस तरह से बना सकते हैं चॉकलेट माउसेस। तो मैं इसको छील करके 1/2 घंटे के लिए फिर आपको बताती हूँ कि ये खाने में भी एकदम अमेजिंग था और दिखने में भी।